हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन मिस्टर रिजिमर। तो दोस्तों, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे दोस्तों एक्सपेंड फॉर्म ऑफ जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, यानी एक्सपोनेंशियल जो टर्म है उसका हम एक्सपेंड फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपेंड फॉर्म। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का आज दोस्तों हम एक्सपेंड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। तो पहले हम एक्सपेंड फॉर्म शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू में इतना ही कहूँगा, आप अंत तक देखते रहिए, आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और मैं पढ़ने के लिए हमारे चैनल मिस्टर एजेमैथ को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलिए तुरंत आपको इसको बताते हैं कि एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन का यूज करके। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कोई नंबर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसका यूज। ठीक है, यूज या फिर जैसे एग्जाम्पल हम मैथ में पढ़ते हैं फर्स्ट। अब देखिए, हमारा फर्स्ट है यहाँ पे दोस्तों, मान लीजिए 34522 है। ठीक है, अब यही है मान लीजिए। तो अब इसका सिंपल है दोस्तों कि 1 10 100 1000 10000, 3 जो है 10000 पे है तो 3 × 10000 कर देंगे। देखिए हो गया 10000 प्लस। अब देखिए फोर, जब ये 10000 पे है तो उसी के बगल में है लेफ्ट साइड में दोस्तों, हमारा राइट साइड में है। ठीक है, लेफ्ट इधर होता है, राइट इधर होता है। 3 के जस्ट बगल में हमारा राइट साइड में 4 है, तो ये 1000 पे रहेगा क्योंकि 10000 के पहले 1000 आता है। काउंट करके भी देख सकते हैं 1 10 100 1000। तो 4 जो है 1000 के प्लेस पे है तो 4 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब प्लस, प्लस दोस्तों देखिए यहाँ पे 500 के प्लेस पे है तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस 2 जो है 10 पर है तो 2 × 10। अब प्लस 2, ये वाला 2 जो है 1 पर है तो 2 × 1, या फिर केवल 2 ही लिख सकते हैं क्योंकि 2 1 2 ही होता है। अब देखिए बस दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है, बस हमारा इसी को जो आ गया इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया। अब हमें जो है राइटिंग एक्सपेंड फॉर्म ऑफ ए नंबर, अब यहाँ पे आगे भी रहेगा। ठीक है, यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, फिर इसको जो है एक्सपोनेंट के रूप में भी लिखना है। यूजिंग एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल नोटेशन, तो अब देखिए दोस्तों हमें इसको, अब तो एक्सपेंड फॉर्म में बस यही हो गया है दोस्तों, इतना ही। अब इसको जो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन के रूप में भी लिखना है। तो देखिए यहाँ पे 4 0 है तो यानी हम 10^4 लिख देंगे। यानी दोस्तों 10 × 10 × 10 × 10, 10 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10000 होगा। अब देखिए 4 × यहाँ पर 3 0 यानी 10^3, 0 में डायरेक्ट हो जाता है दोस्तों। 5 × 10^2, अब देखिए प्लस 2 × 10^1, 10^1 या फिर 10 ही रहने देते हैं दोस्तों। ठीक है, 1 + 2, यही हमारा दोस्तों एक्सपोनेंट फॉर्म भी हो गया और एक्सपोनेंशियल नोटेशन यानी जो एक्सपोनेंट के रूप में भी हो गया। तो यही दोस्तों होता है, मैंने पिछले वीडियो में इसकी शुरुआत की थी, थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि अगले वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। तो आज हमें पढ़ रहे हैं, अब देखिए हो गया हमारा, बस यही करना है और इसमें दोस्तों कुछ नहीं है। अब तो मैं एक और आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अलग टाइप का, मान लीजिए बीच में 0 0 आ गया, जैसे 23। ठीक है, मान लीजिए 2,30,400, 2,30,400, मान लीजिए फिर 0 आ गया, 5 हो गया। ठीक है, अब इतना हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 10 100 1000 10000, लाख, लाख है तो लाख में 5 0 होता है दोस्तों। ठीक है, बस प्लस, या फिर आप ऐसे भी सिंपल, उससे भी सिंपल करना चाहते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में जितने नंबर बच रहे हैं उतना 0 लगा दीजिए बस। तो अब देखिए, अब 3 है, 3 × 3 10000 पे है तो यानी 10000 में दोस्तों 4 0 होते हैं प्लस। अब यहाँ पे देखिए 1000 की जगह पे 0 है तो 0 का कोई वैल्यू ही नहीं होता है तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, या फिर प्लस 0 केवल लिख सकते हैं। अब देखिए प्लस, अब 4 जो है 100 पर है, 100 में 2 0 होते हैं
तो प्लस, फिर देखिए जीरो है। अब जीरो किसी नंबर में ऐड होगा तो उसका कुछ मतलब ही नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम जीरो नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, यहाँ पे भी जीरो हटा देते हैं, ठीक है। अब हमारा फाइव जो है वन पर है, तो फाइव मल्टीप्लाई वन, या फिर डायरेक्ट हम फाइव लिख सकते हैं। अब देखिए टू मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे टेन पावर हो जाएगा दोस्तों फाइव, ठीक है, क्योंकि फाइव जीरो है तो टेन पावर फाइव, प्लस थ्री मल्टीप्लाई टेन पावर फोर, प्लस दोस्तों फोर मल्टीप्लाई टेन पावर टू प्लस फाइव। ये देखिए हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का। बस दोस्तों बहुत ही सिंपल है, तो इसको इतना ही रहने देता हूँ। अब हम अगला चीज़ पढ़ते हैं, अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आप सब कुछ यही रहेगा दोस्तों, बस यहाँ पे एक्सपोनेंट की जगह स्टैंडर्ड, राइटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है दोस्तों। मैं शॉर्ट में आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ, आप दोस्तों यहाँ पे पूरा लिख लीजिएगा, राइटिंग द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है, एक्सपोनेंट की जगह स्टैंडर्ड कर देना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, और अपने जो मैं आपको रोज बताता हूँ कि कम से कम तीन या चार दोस्तों को जरूर शेयर करिए, ठीक है, तीन से चार दोस्तों को शेयर करिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारी छोटी सी हेल्प करिए, जो इतनी दोस्तों जरूर आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। अपने तीन से चार दोस्तों को शेयर करिए, और ऐसे दोस्तों को शेयर करिए जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करिए और बताइए कि आप यहाँ से पढ़िए, आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल मिस्टर एजे मैथ को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, अब मान लीजिए जैसे दिया है, ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज, अब एक एग्जांपल दिया है कि जैसे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ अर्थ द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सन इज, ठीक है, यानी जो है डिस्टेंस अर्थ का सन से दिया है बुक में हमारे दोस्तों, ठीक है, 15 लिखा है दोस्तों, उसके बाद 80 लगाया है, इतना किमी, ठीक है, यानी अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस दिया है कितना जो है किमी है, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ठीक है दोस्तों, 10 करोड़। फिर दोस्तों यहाँ पे 10 करोड़ के बाद दोस्तों होता है 100 करोड़, ठीक है। अब इसको देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में करते हैं, क्योंकि इंडियन नंबर सिस्टम में तो अक्सर दोस्तों 10 करोड़ तक ही रहता है, अब इंटरनेशनल में काउंट करते हैं। अब इंटरनेशनल में होता है दोस्तों 1, 10, 100, 1000, फिर 100,000, इंटरनेशनल में 100,000 तक होता है, ठीक है दोस्तों। अब फिर उसी तरह होता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, 10 बिलियन, यानी 15 बिलियन किलोमीटर, ठीक है, इंडियन नंबर सिस्टम में इतना कि और करोड़ तक ही अक्सर देखने को मिलता है बुक में, तो हम इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में काउंट किए तो आया हमारा 15 मिलियन, ठीक है, 10 मिलियन तक आया, तो अब 10 मिलियन यानी 15 मिलियन किलोमीटर, 15 मिलियन किलोमीटर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए कापी में, स्टैंडर्ड फॉर्म में दोस्तों हम राइट साइड से देखते हैं, फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लगाते हैं, ठीक है, फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। बस यही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि हमारा दोस्तों फर्स्ट नंबर के बाद यानी वन के बाद हमारा डेसिमल, यानी वन के लेफ्ट साइड में, ठीक है, राइट साइड से फर्स्ट नंबर लेंगे उसके लेफ्ट साइड में हमेशा डेसिमल रहता है। तो अब देखिए इतना हो गया, तो अब हम इसको पहले ही लिख लेते हैं, जितना जीरो उसको 10 के पावर के रूप में, 80 है तो 15 मल्टीप्लाई इसको 10 पावर 8 किमी, ठीक है, इसको हम इतना लिख लेते हैं दोस्तों। अब देखिए अब हमारा यहाँ पे डेसिमल लाना है, ठीक है,
तो आप दोस्तों डेसिमल पढ़े होंगे, ठीक है, फ्रैक्शन और डेसिमल पढ़े होंगे पहले। यहाँ पे जो है डेसिमल लाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन आपको चलिए, जब कोई भी नंबर जो है 10 से डिवाइड होता है, ठीक है, 10 से डिवाइड होता है तो उसके बाद डेसिमल लग जाता है। तो अब देखिए लेफ्ट साइड से एक एक नंबर काउंट करते हैं, नीचे एक जीरो है ना, तो एक नंबर बाद यानी यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें यहाँ पे लाना है, अगर 100 से डिवाइड करें, 100 से डिवाइड करेंगे तो दो जीरो है तो हमारा दो नंबर बाद, अब दो नंबर बाद यानी यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे लाना है तो इसीलिए एक जीरो से डिवाइड। अब जानते हैं कि हम दोस्तों केवल डिवाइड या केवल मल्टीप्लाई नहीं कर सकते किसी क्वेश्चन में, अगर ऐसा करेंगे तब तो हम क्वेश्चन ही बदल दे रहे हैं, तो इसीलिए दोनों कर सकते हैं ताकि दोस्तों दोनों कट के फिर सेम हो जाए, ठीक है। अब 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, 10 से डिवाइड भी, 10 से 10 कट के फिर हमारा 15 ही आ रहेगा वही, यानी हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा जब भी करते हैं किसी भी फ्रैक्शन में किसी भी नंबर से तो उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करते हैं, ये रूल होता है मैथ का, ठीक है दोस्तों। अगर केवल डिवाइड कर दिए तब तो दोस्तों हम अपने से 10 से डिवाइड कर रहे हैं, अपने से 10 ला दे रहे हैं, या केवल मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो अपने से हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन ही बदल दे रहे हैं। अब 10 से डिवाइड भी किए, 10 से मल्टीप्लाई भी, 10 से 10 कट के फिर हमारा वही आ जाएगा, यानी हम कोई चेंज नहीं किए क्वेश्चन में। अब जो हमारा अभी 10^8 बचा उसको लिख लेते हैं किमी। अब यहाँ से थोड़ा सा समझने की बात है दोस्तों, अब देखिए 10 से डिवाइड होके 1.5 आएगा, ठीक है। 10 से अभी मैंने आपको बताया एक जीरो है नीचे तो एक नंबर बाद डेसिमल। अब देखिए ये तो 10 हट गया क्योंकि इसी से डिवाइड हुआ तभी पॉइंट आया, तो नीचे वाला 10 हट गया, ये 10 तो बचा हमारा। तो अब देखिए 10^8 है और 10^1, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10^9 होगा, ये भी मैंने आपको दोस्तों पीछे पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर में, कि जब बेस सेम होता है, यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10^1+8 यानी 9, तो 10^9 केमी हो गया, ठीक है। बस यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, बस हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया कि 1.5 × 10^9 केमी, ये जो है डिस्टेंस है अर्थ से, यानी अर्थ की सन से, अर्थ की सन से डिस्टेंस है। अब कुछ और क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म पर आपको बता देता हूँ ताकि दोस्तों आपको एकदम क्लियर हो जाए काम से। तो चलिए मैं दोस्तों नीचे जगह आपको दिखाई नहीं देगा इसीलिए ऊपर का इरेज करता हूँ, और हर क्वेश्चन दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके लिखिएगा जरूर, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप हर क्वेश्चन लिखिएगा जरूर, क्योंकि बिना लिखे दोस्तों आपको ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगा, अभी सुनेंगे तो याद रहेगा फिर बाद में भूल जाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए अपने से ही मन लिख के आपको कोई भी बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों, बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए यही है 16,300, ठीक है, यही दोस्तों है। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दोस्तों जानते हैं कि राइट साइड में जो फर्स्ट नंबर उसके बाद हमें डेसिमल, यानी डेसिमल यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो वहाँ पे डेसिमल लाने के लिए आप जानते हैं कि इसके लेफ्ट साइड में जितना नंबर है उतना जीरो नीचे रहना चाहिए, ठीक है, 1, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमें डेसिमल लाना है तो इसके लेफ्ट साइड में चार नंबर है, तो यानी हमें जो है 1 लिख के 4 जीरो यानी 10,000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है, 10,000 से डिवाइड करना होगा। तो आप जानते हैं कि उतना से मल्टीप्लाई भी होगा, ठीक है, जिससे हम डिवाइड करेंगे उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो बस दोस्तों आप देखिए यहाँ पे दो जीरो से हम दो जीरो काट देते हैं, ठीक है, क्योंकि जानते हैं डिवाइड में जो है दोस्तों जीरो से जीरो कटेगा अगर लास्ट में है तो, क्योंकि इसको हम 163 × 10^100 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में दो जीरो बीच में रहता तो हम इसको नहीं कर पाते ऐसे, लेकिन लास्ट में जीरो है तो इसका मतलब इसमें 100 से मल्टीप्लाई है, इसको हम 163 × 100 भी लिख सकते हैं, तो 100 से 100 कट गया, अब हमारा 100 बचा। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब 100 हमारा बचा तो दोस्तों दो जीरो बचा है, तो दो जीरो बचा है मतलब दो नंबर बाद लेफ्ट साइड से दो नंबर बाद डेसिमल, फर्स्ट सेकेंड दो नंबर बाद, यानी हमें जहाँ पे चाहिए वहाँ पे डेसिमल भी आ गया इंटू। अब इंटू देखिए हमारा एक चारों जीरो बचा है, तो यानी 10^4,
बस दोस्तों यही हमारा हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छे से समझ में आ रहा है, बस पढ़ते रहिए समझ में सब आएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको और लिख रहा हूँ, चलिए अपने से एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 73,520, ठीक है, मान लीजिए 20 या फिर 25 लिख देता हूँ, चलिए मैं इतना लिख देता हूँ कुल मिला के। बस दोस्तों कुछ भी आ जाए हमारा, बस हमें यहाँ पे डेसिमल लाना है, बस यही आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, यहाँ पे डेसिमल लाना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे डेसिमल लाना है तो इसके लेफ्ट साइड में दोस्तों 1 2 3 4 चार नंबर है, तो हमें बस 4 0 यानी 10,000 से, ठीक है, 10,000 वाला तो मैंने आपको बताया। चलिए मैं इसमें एक नंबर और बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब एक नंबर मैंने बढ़ा दिया, अब तो अलग अलग क्वेश्चन रहेगा तो आपको हर टाइप समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे मैंने बताया कि राइट साइड में जो फर्स्ट नंबर है उसके जो है जस्ट लेफ्ट में हमें डेसिमल लगाना है, डेसिमल यहाँ पे लगाना है, तो उसके देखना है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में 5 नंबर हैं, तो बस दोस्तों हमें 50 से डिवाइड कर देना है, यानी 1 लिख के 50, इसका मतलब 1 लाख, ठीक है दोस्तों, 1 लाख से डिवाइड। अब हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे ताकि क्वेश्चन में हमारा कोई भी चेंज ना हो। तो बस अब दोस्तों अब ये वाला देखिए हमारा पूरा नीचे का खत्म हो जाएगा डेसिमल लगाने में। आप सिंपल समझ सकते हैं दोस्तों, इससे आप इसको डिवाइड करिए, जैसे आप बचपन से डिवाइड पढ़ते आए हैं ऐसे, 1 लाख डिवाइड 7,35,256, अब ऐसे डिवाइड करके देखिए तुरंत दोस्तों 7 बार टेबल पढ़ेंगे तो 7 लाख आ जाएगा, उसके बाद हमें डेसिमल लेके यहाँ पे 0 लगाएंगे तब हमारा डिवाइड होगा। आप सिंपल डिवाइड करके देख सकते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो बस एकदम सिंपल मेथड है कि हमें यहाँ पे डेसिमल लाना है तो इसके लेफ्ट साइड में जितने नंबर हैं हमें 1 लिख के उतना 0 लगा देना है। आप उसी से डिवाइड कर रहे हैं जिससे, उसी से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये नीचे का खत्म हो जाएगा, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 7.3526 मल्टीप्लाई। अब देखिए हमारा दोस्तों अब इसको एक्सपोनेंट के टर्म में लिख देते हैं, 50 यानी 10^5। बस दोस्तों देखिए कोई ऐसा बंदा नहीं होगा, ठीक है दोस्तों, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, पबजी लवर समझ गए होंगे बंदा, ठीक है, अक्सर वो सब बंदा ज़्यादा बोलते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको ये समझ में नहीं आया होगा। और आपको नहीं भी आ रहा तो एक बार दोबारा वीडियो देखिए, फिर उसको कापी पर लिखिए दोस्तों, आपको एकदम अच्छे से आ जाएगा, हर चीज़ आ जाएगा। ये तो दोस्तों बहुत ईजी सिंपल सा मैथ का सिंपल सा कह सकते हैं कि छोटा सा प्रॉब्लम है। तो बस दोस्तों आप पढ़ते रहिए, ध्यान से देखिए, उसको लिखिए, एकदम आ जाएगा। जो पहले से ही भागते हैं कि मेरे पास का ये नहीं है, वो उन्हीं से नहीं हो पाता है, जो पढ़ेंगे उनसे आराम से हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, धन्यवाद।